व्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और सूजी के लड्डू ड्राई फ्रूट डाल के। इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है बेसन, ये पतला बेसन है, और आधी कटोरी लिया है सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट, और लिया है देसी घी। गैस ऑन कर दिया, इस पर हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें अब हम डालेंगे देसी घी। पहले मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। और साथ में ही मिला रही हूँ अपना बेसन। सूजी इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले। अगर हमको लगेगा कि इसमें घी की और ज़रूरत है तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमारा घी इतना बहुत है, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। हम इसे चलाते हुए धीरे धीरे इसे भून लूँगी जब तक इसमें से अच्छी सी महक ना आने लग जाए। इसे हमें चलाते हुए भूनना है, अगर इसे हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। गैस का स्लो मीडियम कर रखा है बिल्कुल मैंने। ये हल्का हल्का भूनने लगा है, इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। 1-2 मिनट के अंदर इसके अंदर महक आने लग जाती है। अगर आप चाहें तो आप बेसन और सूजी दोनों को अलग भी भून सकते हैं। मैंने दोनों एक साथ भूजी है, और जैसे कि आप जानते हैं दीपावली आ रही है, तो दीपावली पे घर में काफ़ी मिठाइयाँ बनती हैं, और बाहर की मिठाइयों में कई बार क्या होता है मिलावट हो जाती है। इस वजह से अगर हम घर में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। हम इसे जब तक भूजेंगे जब तक हमारा जो घी है वो बिल्कुल अलग ना हो जाए और दिखने लग जाएगा आपको। आप देख सकते हैं कि घी इसमें से कितना अलग होने लगा है। अब इसे हमें और चलाना है। इसमें दर्द जो सूजी और ये हमने जो इसमें डाला है बेसन, ये दरदरा हो जाएगा, थोड़ा सा फटाफटा सा दिखने लग जाएगा, और इसे काफ़ी अच्छी महक जब पूरे घर में घूमने लग जाएगी तब हम इसे बंद करेंगे। इसी तरह से लगाते रह हम इसे चलाते रहना है। अगर इसे हम छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगा नीचे, जिससे हमारे लड्डू का टेक्सचर खराब हो जाएगा और उसमें जले की महक आने लग जाएगी। हमारा बेसन और सूजी काफ़ी अच्छी तरह भून चुके हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी देख कितना गीला हो चुका है, यानी इसने घी हमारा अच्छी तरह से छोड़ दिया है। इसी टाइम मैं अपने ड्राई फ्रूट डाल दूंगी कि जिससे ये भी अच्छी तरह से इसमें भून जाए, और थोड़ी देर चलाते हुए इन्हें मिक्स कर लूँगी कि हल्के से रोस्ट हो जाए ये भी। हमें गैस इसको रोकना नहीं है, चलाते हुए पकाना है। हमारा ये काफ़ी अच्छी तरह पहुँच चुका है। अब मैं इस गैस को करूँगी बंद और फिर चलाती रहूँगी जिससे ये बिल्कुल ठंडा जब तक पूरा हो जाएगा जब तक इसे चलाऊँगी। और जिस कटोरी में मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी को भर के मैं 1 कटोरी चीनी पीस लूँगी, और उसी में मैं 4-5 इलायची भी पीस लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी हद तक ठंडा कर लिया है, और मैं ये रसोई से लेके बाहर आ गई हूँ ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपनी चीनी भी पीस लिया है, इसमें मैंने इलायची की 4 वो डाल दी थी कलिया, मतलब सॉरी कलिया बोल दी,
चार इलायची डाल दी थी उनको भी इसके साथ ही पीस लिया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें ऐड करूँगी। अगर इसके मैं ऐड कर दूँगी तो ये पानी जो चीनी है ये पानी छोड़ जाएगी। अब हम इसमें अपना जो हमने चीनी का पाउडर बनाया है इसे डाल रहे हैं, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं पहले। इसमें थोड़ी सी चीनी हम अभी और डालेंगे। हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं इसके लड्डू भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं बनके। ये कहीं से टूट वूट भी नहीं रहे और एकदम गोल हो रहे हैं। अभी हम हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे और इसी तरीके से सारे बना के फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बेसन और सूजी के लड्डू बनके तैयार हैं ड्राई फ्रूट वाले। अगर आपको मेरी मम्मी का बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ। और देखने के लिए आपका धन्यवाद।